हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल और मैं हूं शादा बालन। दोस्तों, ये आपकी सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स की आज जो है आपकी आठवीं वीडियोस है। तो 7 वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं जो कि आपने देख ली होगी, और जो लोग भी नहीं देख पाए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स इन हिंदी, उस नाम से जो है आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे आपको सारी वीडियोज इसकी मिल जाएंगी। तो ये नोट्स आपके बिल्कुल जो है एनसीईआरटी की बुक से बनाए गए हैं, और एक एक पॉइंट को वहाँ से उठाया गया है, और बहुत ही बढ़िया और ऑब्जेक्टिव, मतलब बिल्कुल जो है वन लाइनर आपके नोट्स बनाए गए हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं भाई, और जो लोग भी नए हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया तैयारी, यहाँ पे आपको पूरा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और आपको सभी सब्जेक्ट की जो है तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी, फर्स्ट पेपर की भी और सेकेंड पेपर की भी। तो हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी लोगों को करते रहें, और भी जो आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके ग्रुप्स में, सभी को आप बताएं हमारे चैनल के बारे में सीटेट की तैयारी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और बाकी सब्जेक्ट की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां पे जाके सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट की वीडियोस जो है सीरियल से देख सकते हैं। और जो लोग भी नोट्स चाहते हैं भाई, जिनको भी सीटेट के नोट्स चाहिए कंप्लीट नोट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बात की थी, तो बिल्कुल आपको जो है हर सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे पूरे सीटेट के, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, जैसे कि 5 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट पेपर में आते हैं और सेकंड पेपर में 4 आते हैं, तो आपके जो है टोटल 4, मतलब एसएसटी के अंदर जो है और सब्जेक्ट हैं आपके 2-3, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह, लेकिन टोटल उसको एक ही माना जाएगा एसएसटी। तो आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी को भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे हमने जो है 12 चैप्टर कर लिए थे, तो आज 13वें चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट नंबर 13 है आपका बसेरा ऊंचाई पर। तो यहाँ पे ऊंचाई के बारे में देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, मतलब एक मुसाफिर है जो भी, जिसका अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसने दिल्ली से मुंबई से सफ़र शुरू किया था, और दिल्ली होते हुए वो जो कश्मीर तक, लद्दाख वगैरह सब जगह घूम के और कश्मीर तक पहुँचा था, मतलब बसेरा ऊंचाई पर जाकर उसने, लद्दाख जो है वो बहुत ऊंचाई पर है कश्मीर वगैरह, तो वहाँ पर जाके उसने बसेरा किया था, इसीलिए उसने नाम रखा है पाठ का बसेरा ऊंचाई पर। तो किस किस तरह से, कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से स्थान की क्या क्या विशेषताएं हैं, और वहां पे किस किस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, सर्वाधिक भीड़ वाला शहर कौन सा है आपका? तो मुंबई जो है वो सबसे ज्यादा भीड़ वाला शहर है आपका। और दिल्ली मुंबई से कितनी दूर है? तो आपका 1400 किलोमीटर दूर है आपका। और नेक्स्ट है आपका, मुंबई से दिल्ली आने के लिए कौन कौन से राज्यों से गुजरना पड़ता है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से आपको गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, ठंडा रेगिस्तान क्या किसको कहते हैं, मतलब कौन कहलाते हैं, कौन सी जगह को? तो लद्दाख जो है, जो कि आपका कश्मीर में है, उसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। और इसको ठंडा रेगिस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा है, और इसी कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लद्दाख में घर कैसे बनते हैं? तो घर जो है लकड़ी के और पत्थर के बनाए जाते हैं वहाँ पे। और लद्दाख की विशेषता और पहचान क्या है कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठंडा रेत आपको देखने को मिलेगा, और पेड़ों की कमी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ठंड बहुत ज़्यादा है और रेत है तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे उग नहीं पाते, और समतल सूखे रेगिस्तान है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन भी कम होता है। जब आप जाएंगे, अगर कभी आपने देखा हो, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल हमारे क्षेत्रों से, जो प्लेन वाले क्षेत्र हैं वहाँ के हिसाब से, वहाँ पर कम पाई जाती है, और थोड़ा ऊंचाई पे भी है, तो एक कारण ये भी है कि ऊंचाई की वजह से वहाँ पे जो है ऑक्सीजन की कमी है। चलिए नोट लिखा हुआ है आपका कि लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे कम है, तो इसलिए बारिश भी कम ही होगी। नेक्स्ट है आपका, लद्दाख में लकड़ी के घर क्यों बनाते हैं? तो ठंड से बचने के लिए बनाते हैं, वहाँ पे लकड़ी में ठंड कम होती है तो इसलिए ठंड से बच जाते हैं। लद्दाख के घरों का ग्राउंड फ्लोर क्या उपयोग होता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर किस उपयोग में लाते हैं? तो पशुओं को बांधने के लिए, पशु पालन के लिए जो है लद्दाख के लोग ग्राउंड फ्लोर का यूज करते हैं अपने घरों के, सबसे नीचे वाला। और उनके जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं उनमें खिड़कियां नहीं होती, ये भी उनकी एक विशेषता है कि सबसे नीचे वाले जो घर होते हैं उनमें खिड़कियां नहीं रखते वो लोग। लद्दाख के घरों की छत का प्रयोग किस काम में होता है? तो लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान, उपले आदि सुखाने के लिए जो है वो छत का प्रयोग करते हैं। और चांगथांग कितनी ऊंचाई पर? चांगथांग एक जगह है जो कि लद्दाख में ही है, लद्दाख के थोड़ा पास में ही आगे। तो चांगथांग जो है वो कितनी ऊंचाई पे है? तो 5000 मीटर की उसकी ऊंचाई है समुद्र तल से।
तो यहाँ के बारे में कुछ चीज लिखी है उन्होंने नोट, यह मैदानी सुनसार और पथरीला इलाका है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ ना कोई पेट्रोल पंप है और ना ही मैकेनिक है। तो जैसे कि वो जो जो मुसाफिर था जिसे वो अपने बारे में ये सब चीजें बता रहा है, जिसने सफर शुरू किया था मुंबई से, वो अपनी मोटरसाइकिल के द्वारा जो है वहां से चलना स्टार्ट हुआ था, तो मोटरसाइकिल से चला था, तो इसलिए उसने इन चीजों को बताया है कि वहां पर ना तो कोई पेट्रोल पंप है और ना ही कोई मैकेनिक है, इसलिए उसको पहले से ही इंतजाम लेके चलना पड़ता है, वहां से पेट्रोल लेके चलेगा वो नीचे से इतना कि वो आगे जाके सफर उसका बीच में ना रह जाए, और मैकेनिक वगैरह भी नहीं होते, तो इसलिए वो सारी चीजें उसको देखनी होती है वहां पे। आगे है आपका चांगपा प्रजाति के लोग होते हैं, तो चांगपा प्रजाति में जो है 5000 लोग आपके लगभग रहते हैं, मतलब चांगपा जो है एक प्रजाति है जिस एक समूह है ये कह सकते हैं, तो ये पूरा एक गांव जैसा समझ सकते हो, तो उसमें 5000 लोग रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते। नेक्स्ट आगे है चांगपा कौन से पशु पालते हैं, तो भेड़ और बकरियां सबसे ज्यादा पालते हैं, तो क्योंकि ये भेड़ और बकरियां जो होती हैं ये ठंडे इलाकों में अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर लेती हैं, मतलब ये कि समायोजन कर लेती है ठंड से, तो ये वहां पे अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, बाकी अन्य पशु रहेंगे तो उनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए वो वहां पे नहीं रह पाते इतने ज्यादा। भेड़ बकरी से क्या मिलता है, तो दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलती है और ऊन मिलती है। नोट है भेड़ बकरी ही चांपा लोगों की पूंजी होती है, और जिस परिवार में जितनी अधिक बकरियां भेड़ बकरियां होती हैं वह परिवार उतना ही अमीर होता है, क्योंकि वहां पे उनका कोई और संसाधन नहीं है उनके पैसे कमाने का या उनके आजीविका कमाने का, तो सिर्फ भेड़ बकरियों पे ही वो डिपेंड होते हैं, तो जिस परिवार के पास जितनी ज्यादा भेड़ बकरियां होंगी वो उतना ही अमीर वहां पे समझा जाएगा। चांगपा लोग जो है वो घुमंतू होते हैं, ये केवल 2.5 घंटे में अपना सामान घोड़ों और याक पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पर निकल जाते हैं। इनके तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं, तो ये चीज आप याद रखें, ये जो है घुमंतु इसलिए कहा गया क्योंकि ये कभी भी एक जगह पे नहीं रुकते ज्यादा दिन, जैसे कि एक जगह का वहां पे घास वास और सारे सामान अगर इनके खत्म हो जाएंगे भेड़ बकरियों को खिलाने के, तो ये वहां की जगह छोड़ के और दूसरी जगह निकल जाएंगे, लेकिन इनका समय इतनी फास्ट ये इस सारे काम को करते हैं, प्रैक्टिस होती है इनको, कि एक सिर्फ 2.5 घंटे में सारा सामान वगैरह सारे कुछ लाद के और दूसरी जगह चले जाते हैं एक जगह से, और वहां पे जो टेंट लगाते हैं उनको रैबो कहते हैं, उसका नाम है रैबो। तो हर परिवार अपनी भेड़ बकरियों पर जो है एक खास प्रकार का निशान लगाता है ताकि, और रोज सुबह उनको गिन कर जो है चराने ले जाते हैं, और ये काम उनके घर की औरतें और जवान लड़कियां जो होती हैं उनका काम होता है ये, उन भेड़ बकरियों को चराना और वहां पे ले जाना, तो वो निशान इसलिए लगाते हैं ताकि उनकी जो भेड़ बकरियां हैं वो खो ना जाएं या दूसरी बकरियों से मिल ना जाएं दूसरे लोगों की बकरी से, तो इसलिए वो अपनी बकरियों पर निशान लगा देते हैं। पत्थरों और चट्टानों से बने बकरी के घर को चांगपा क्या कहते हैं, तो लेखा कहते हैं। तो ये मतलब ये है कि जो भेड़ बकरियों के लिए जो घर बनाते हैं मतलब अलग से, तो पत्थर से और चट्टानों को जमा जमा के दीवारें खड़ी कर देते हैं और चारों तरफ, और उसके अंदर जो है भेड़ बकरियों को बांधते हैं, तो उसको बोलते हैं, उस जगह को लेखा नाम से जाना जाता है। पश्मीना शॉल किसे कहते हैं, किससे बनता है, तो पश्मीना शॉल का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही मशहूर होता है और बहुत ही लाजवाब होता है ये कह सकते हैं, तो भेड़ बकरियों की बालों से बनता है ये, और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पश्मीना शॉल जो है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है परंतु मोटा नहीं होता, समझ सकते हो कि पश्मीना शॉल जो है वो बहुत ही बारीक भी होता है और उसके अंदर इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि 6 स्वेटर के बराबर उसमें आपको आप 6 स्वेटर पहन के जितनी गर्मी महसूस करेंगे उतनी उस एक चादर को पहन के आप उतनी ही गर्मी महसूस करेंगे, और चांगथांग का तापमान जो है सर्दियों में -40 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। आगे पढ़ते हैं, आगे है आपका पश्मीना शॉल को बनाने में एक व्यक्ति को लगभग 250 घंटे का समय लगता है, तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, ये प्रश्न आपका जो है आते रहते हैं, मतलब पश्मीना शॉल के बारे में तो बहुत सारे प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, तो एक एक पॉइंट को आप याद रखें, तो 250 घंटे का समय लगता है एक पश्मीना शॉल को बनाने में। तो चलिए मैं आपको उसका जो है एक आपको फोटो उसका पिक मैं आपको दिखा देता हूं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पश्मीना शॉल इस तरह का होता है, तो ये आपने जरूर देखा होगा, ये जो है मार्केट में उपलब्ध है, सभी जगह मिल जाता है लगभग, तो इस तरह का जो है पश्मीना शॉल होता है आपका। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे आपके श्रीनगर में घर, मतलब श्रीनगर में घर किस किस टाइप के हैं उसके बारे में कुछ चीजें बताई गई है। तो श्रीनगर में जो हाउस बोट होती है एक प्रकार की, तो ये 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई जो है 8-9 फुट तक होती है। दूसरे प्रकार के होते हैं आपके डोंगा, तो बोट की तरह ही लकड़ी के बने होते हैं ये, और लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं,
और डल झील और झेलम नदी में होते हैं और इनमें अलग अलग कमरे होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इनका भी एक के आपका एनसीईआरटी में जो है इनके पिक्स वगैरह दिए हुए हैं, तो ये देख सकते हैं आप। ये जो है आपके जो हाउस बोट हैं वो इस टाइप के होते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और जो आपका डोंगे टाइप के जो बोल रहे हैं वो ये होते हैं। तो इनमें जो है ये इस तरह से नाव टाइप के हैं, लेकिन इनमें अलग अलग कमरे बने होते हैं। तो ये इस टाइप के आपके देखने में होते हैं। आगे है आपका नोट लिखा है इन्होंने, कश्मीर की हर गली में एक बेकरी होती है और यहाँ के लोग जो है खाना घर पर नहीं बनाते बल्कि बेकरी से खरीदते हैं। तो ये वहाँ की खास बात है कि हर गली में जो है एक बेकरी रहेगी और वहीं से लोग जो है खाने के इंतजाम अपना खरीद खरीद के वहां से खाते हैं खाना और घरों में नहीं बनाते। चलिए आगे चलते हैं। और आगे नेक्स्ट आपका चैप्टर है जब धरती कांपी। तो देखिए यहाँ पे धरती कांपने का मतलब भूकंप से है, तो भूकंप के बारे में जो है कुछ चीजें हैं यहाँ पे। तो कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप कब आया था? तो ये 26 जनवरी 2001 में आया था। और ये सारी जगहें जो है कच्छ, भुज और अहमदाबाद, ये कहाँ पे हैं? गुजरात में है आपकी। तो ये चीज आप नोट करें। और इसमें जो है आप मतलब इसमें कुछ चीजें दी गई थी जो कि आपकी पैडागोजी में काम करेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें आप ये ध्यान रखें कि जब भूकंप आता है तो बच्चे को आप क्या क्या करने के लिए कहेंगे, ये कि वो अपने आप को कहीं पे छुपा लें, किसी बड़ी चीज के नीचे छुप जाएं, जैसे कि टेबल वगैरह और जो भी चीजें हैं, और उसको मजबूती से पकड़ लें ताकि इधर उधर हिले ना। तो ये सब चीजें जो है आप उनको सिखाओगे, टीचर होने के नाते आप बच्चों को सिखाओगे। तो कभी कभी एनसीईआरटी के मतलब इससे रिलेटेड करके पैडागोजी में प्रश्न पूछता है सीटेट में, कि अगर आप एक शिक्षक हैं और आपके आपको आपके साथ में जो है बच्चे हैं और भूकंप आ जाए तो आप किस तरह से उन बच्चों को बताओगे कि उन्हें क्या क्या करना है, या प्रीकॉशंस आप उनको कैसे कैसे सिखाओगे बच्चों को। तो इस तरह के प्रश्न जो है पैडागोजी में पूछ लेता है कभी कभी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो ये कहानी जो है लिखी थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो इसमें देखो इन्होंने जो है टेम्परेचर के बारे में कुछ चीज बताई है, उसी से ठंडा और उसी से गर्म, यानी कि जो हमारे जो मुंह की भाप होती है, जैसे कि हमारे अंदर जब हम छोड़ते हैं, तो अगर बाहर का मौसम जो है गर्म है तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो जो है ठंडी होती है, मतलब हम उसको ठंडी महसूस करते हैं। और अगर बाहर का मौसम ठंडा है तो हमारे मुंह से जो अंदर से जो हवा निकलेगी उसको हम गर्म महसूस करते हैं। तो इसी चीज का इसमें जिक्र किया था। तो उसमें जो है एक लकड़हारा था जो जंगल गया था, और वो उसने आलू आलू जो है वो गर्म करके, और उसने जब अपने हाथों को उसने उसको फूंक मार मार के वो ठंडा कर रहा था, मतलब ठंडा करने के लिए भी फूंक मार रहा था। और फिर जब वो जाड़ों का मौसम था तो वो जो काम करता था कुहाड़ी वगैरह से, तो उसके हाथ ठंडे हो जाते थे, तो फिर से वो उन हाथों पे जो है फूंक मारता था, उनको रगड़ता था आपस में, तो फूंक मार के वो गर्म भी कर रहा है। मतलब इसलिए उन्होंने कहा है कि उसी से ठंडा और उसी से गर्म हो रहा है, मतलब ये कि अगर बाहर का मौसम ठंडा है तो हमारे मुंह से जो हवा निकलेगी वो गर्म होगी, और बाहर का अगर मौसम गर्म है तो वो अंदर से जो टेम्परेचर हवा निकलती है वो उसी के विपरीत होती है। तो ये चीजें इसमें कुछ थी। तो नेक्स्ट है आपका दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। चलिए फिलहाल तो इस चैप्टर में और कुछ खास नहीं था, लेकिन नेक्स्ट आपका चैप्टर है कौन करेगा यह काम। तो यह काम का मतलब यहाँ पे जो है सफाई के बारे में उन्होंने कहा है। तो ये गांधी जी से रिलेटेड जो है चैप्टर है। गांधी जी और उनके एक दोस्त के बेटे थे जिसका नाम था नारायण। तो उन ये दोनों जो है ये गाँव में रहने के लिए गए थे। तो वहां पर भी जो है कुछ लोग ऐसे मतलब जो आपका ये समझ सकते हो जो शौचालय होता है वो कहीं पे भी कर देते थे, जंगल में या कहीं भी, कोई जगह नहीं थी और उसको कोई साफ भी नहीं करता था। तो ये सब चीजें कि कौन करेगा ये काम, तो गांधी जी ने इस चीज के लिए कहा मतलब आंदोलन चलाया था एक प्रकार से, कि सफाई अभियान जो भी आप ये मतलब सफाई अभियान तो आपका है, मैं मतलब इस टाइप का था वो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलिए फिलहाल नेक्स्ट पे मतलब इसको पढ़ते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है आपका कि गांधी जी के दोस्त महादेव के बेटे 11 वर्ष की उम्र से ही गांधी जी के साथ रहते थे, और गांधी जी और नारायण जी जो उनके दोस्त के बेटे थे उनका नाम है नारायण जी ने, तथा उनके साथियों ने छुआछूत को मिटाने के भरपूर प्रयास किए थे। छुआछूत का मतलब यह है कि जो भी जो निम्न वर्ग के जैसे SC ST होते हैं तो उनको जो है समाज से अलग कर दिया गया था उस टाइम पे, और उनके साथ में ना कोई खाना खाता था ना कोई पानी पीता था, और ना ही उनको अपने सामान को इस्तेमाल करने दिया जाता था, उनको बिल्कुल जो है अलग कर दिया गया था। तो उन्होंने उसके लिए बहुत काफी मेहनत की थी कि ये सब छुआछूत खत्म किया जाए। और भीमराव अंबेडकर का गांव कहाँ से है? तो महाराष्ट्र में गोरा गांव से है। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में जो है एक कहानी है छोटी सी, कि एक समय था तो वहां पे जो है भैंस के कोई जो नाई होते हैं ना, जो बार बार होते हैं, वो भैंस के बाल उतार रहा था।
तो तब उन्होंने कहा उसको कि जो बार्बर था उससे कहा कि मेरे बाल भी काट दो तुम, तो उन्होंने उसको जवाब दिया था कि आपको अगर मैं बाल काटूंगा तो मेरा उस तरह गंदा हो जाएगा, समझ लो ये उसने कमेंट किया था उस टाइम पे। तब जाके भीमराव अम्बेडकर को वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई थी, मतलब हालांकि उस टाइम पे बहुत छोटे थे, बच्चे थे उस टाइम पे, तो उनको छोटा भीम जिस बोलते थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उनको काफ़ी हर्ट हुई उस चीज़ को। तो तब उन्होंने सोचा कि क्या हमारे अंदर, मतलब हम क्या भैंस से भी ज़्यादा गंदे हैं क्या, हमारे बाल काटने से उनको गंदा फील हो रहा है जबकि भैंस के बाल काट रहा है वो। तो तब जाके उन्होंने उसके लिए बड़े होके उन्होंने काफ़ी आंदोलन चलाया, काफ़ी मेहनत की कि ये सब चीज़ें को ख़त्म किया जाए, ये भेदभाव ये क्यों है, मतलब हम भी इंसान हैं और भी इंसान हैं, वो सब चीज़ें क्यों हैं ये सब, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो नोट दिया है कि यह कहानी स्टेलन के की इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। तो मतलब इनकी एक फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इंडियन अनटच्ड, तो वहां से ये कहानी उठाई गई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फांदली दीवार, यहाँ पे जो है पार्ट है आपका नेक्स्ट है। तो फांदली दीवार का मतलब ये है कि इसमें जो है जैसे कि लड़कियों जो मतलब भेदभाव के बारे में बताते हैं ना, कि जैसे कि लड़कियों को समाज में खेलने का ज़्यादा अवसर नहीं मिलता, कि जो खेल होते हैं वो सिर्फ लड़कों के लिए होते हैं, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं दो तीन जिनकी फुटबॉल की सॉरी बास्केटबॉल की टीम थी, तो उसके बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से वो सीखी, उन्होंने उस खेल को सीखा और कॉम्पिटिशन्स भी जीते, तो उन्होंने जो हमारे रीति रिवाज और जो प्रथाएँ चली हैं उसकी दीवार को फांदा है, तो उसके बारे में बताया गया है इसमें। चलिए पढ़ते हैं इसको। तो नाग पांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीमें कहाँ कहाँ हैं, तो ये मुंबई में है। आगे दिया है इसमें विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो ये भी जो है मुंबई में है। आगे है आपका शोलापुर कहाँ पर है, शोलापुर भी आपका मुंबई में है। और आपका जो नोट दिया है यह पाठ समाज में लिंग भेद को दूर करने के लिए है। तो जो मैंने आपको शुरू में ही बात बताई है वही है कि भेदभाव को दूर करने के लिए जो है इसको सम्मिलित किया गया है। बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। और ये ग्राउंड जो है वो कोच मुस्तफा खान के नाम से बनाया गया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो काफ़ी कर चुके हैं इस वीडियो में हम, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमें बताएं किस तरह की वीडियो आपको मतलब कितनी अच्छी लगी, और अगर आपका कोई सजेशन है कोई डाउट है तो वो आपसे पूछ सकते हैं। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें भाई, अपने दोस्तों में अपने ग्रुप्स वगैरह में सब में शेयर करते रहें। और जिन लोगों को नोट्स की नीड है, नोट्स जिसको भी चाहिए हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे ही दिया है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।